किरोवा थाना क्षेत्र में भेदभाव का बलात्कार का मामला एसपी कार्यालय के सामने आया है। महिला का आरोप है कि गांव के दो व्यक्ति थे जिनका नाम बताया है, एक का कामता प्रसाद नाम है, एक का कपिल। कामता की उम्र है 20 साल की, कपिल की उम्र है 21 साल की। ये दोनों ने लड़की को पकड़कर बहला फुसला कर एक बगीचे ले गए और उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया गया। इस मामले में गिरोह थाना में अप्लीकेशन दी गई है जिसमें गिरोह थाना से कार्रवाई की गई है, पर उन पीड़िता को अभी संतुष्टि नहीं है, इसलिए आज एसपी कार्यालय आए हैं। कितनी उम्र की लड़की है? अभी 17 साल की। हमारी गई थी बगीचे में, वहाँ बगिया लगी है तो बगिया में गई थी धनिया मिर्च तोड़ने। कई बजे? 4 बजे दिन को। अब वहाँ जब धनिया मिर्च तोड़ने गई है तो वहाँ मिले कपिल गुप्ता और माता प्रसाद, तो हमारी लड़की को बहला के वहाँ ले गए बगिया के अंदर। बगिया के अंदर ले जाके उसको राशिरी खिलाई, राशिरी खिला के क्या कहते उसको बलात्कार किया दोनों आदमी ने। एक ने किया, एक हाथ पकड़े था, कपड़े अंदर मुंह में डाल दिए थे, और फिर दूसरे ने किया तो दूसरा पकड़े। इसके बाद माता प्रसाद कर लेके खेत में चला गया उसको, लड़की को, और कपिल गुप्ता आ गया अपने घर, लड़की को ले गए थे। हाँ, लड़की को ले गए थे। फिर कब छोड़े? हमारी लड़की आई 1:30 बजे रात। आज कहाँ पर आए हैं? आज हम एसपी साहब के यहाँ आए थे, एक दिन और आए थे तो हमें मिले नहीं हैं। आज भी नहीं मिले हैं, सीओ साहब मिले हैं आज। वो कह रहे हैं तुम अपने सीओ के पास जाओ, अब वो जब पकड़ा जब मिल जाएगा तब वो जेल चला जाएगा, जब मिल जाएगा। हमें कह रहे हैं कि तुम ढूंढो, हम बताओ कैसे ढूंढे, हम खुद परेशान हैं, हमें जान से मारने की धमकी है, हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, हम हर विभाग में जा रहे हैं, पुलिस कहती है मुलजिम को छोड़ती है, मुलजिम हमें मारते हैं। कल 20 तारीख को मेरे साथ मारपीट भी की गई और मुझे मारा पीटा तो मैं थाने गया हूँ, तो वहाँ दरोगा जी कह रहे हैं कि मुलजिम को हमने छोड़ा था, मुलजिम को पकड़ने के लिए दूसरे मुलजिम के लिए मुलजिम से पकड़ा रहे हैं, हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। इन अपराधियों से बुरी सजा मिलनी चाहिए, हम बहुत परेशान हैं। मैं पैसे से ड्राइवर हूँ, गाड़ी चला नहीं पा रहा हूँ, जान से मारने की हम लोगों को धमकी है, हम जो है डरे हुए हैं और बहुत शर्मिंदा हैं, बहुत परेशान हैं। इस लड़की को न्याय नहीं मिल पा रहा है। लड़की पक्ष का आरोप है कि जो लड़के हैं कामता प्रसाद है, ये कपिल गुप्ता है, उनके साथ गलत किया गया है, इसमें क्या कार्रवाई? जेल तो जा रहा है कामता, जेल जा रहा है, कपिल अभी मिला नहीं है। अच्छा सर, धाराएं क्या लगी इसमें? धारा 376 है मैडम, इससे बड़ी धारा क्या लगा सकते हैं हम। और कपिल गुप्ता को कब तक गिरफ्तार करेंगे? अब जब मिल जाएगा तो गिरफ्तार कर जेल भेज देंगे, कोई रिश्तेदार तो नहीं हम लोगों का, अपराधी है हमारा तो जेल जाएगा। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।